दोस्तों, अगर आप भी कोई माइक्रो नीच वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और एक माइक्रो नीच कीवर्ड फाइंड कर रहे हो, तो आपको हमारी जो ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसा माइक्रो नीच कीवर्ड बताने जा रहे हैं जो कीवर्ड बहुत ही कम कंपटीशन का है, और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पे उसको लोग सर्च भी करते हैं। सर्च क्या करते हैं, हर कोई सर्च करता है, क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जो आज हमारा कीवर्ड है वो नॉलेजफुल कीवर्ड है, वो नॉलेज के लिए लोग सर्च करते हैं। इसलिए इस पे कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि लोग नॉलेज वाली इस तरह की चीज़ों पे कभी भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो आपको इसी का फ़ायदा उठाना है और इस पे वेबसाइट बनाकर, आर्टिकल लिखकर पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो चलिए इस कीवर्ड को देखते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि इस कीवर्ड पे आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, और बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। आप अच्छा, मतलब अच्छे से आर्टिकल जब लिखोगे तो आप आसानी से यहाँ रैंक कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर कंपटीशन बहुत लो है। ठीक है, कोरा जैसी साइट, जो बड़ी बड़ी जो साइट्स होती है जहाँ पर पेजेस होते हैं फेसबुक वेसबुक, वो यहाँ पर रैंक करते हुए आपको दिख जाएंगे, तो आपको उनको बीट करना बहुत ही आसानी से आप बीट कर लोगे। तो चलिए अपने माइक्रो नीच कीवर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा माइक्रो नीच कीवर्ड कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अपने माइक्रो नीच कीवर्ड को। तो देखो, जैसे कि हमारा एक चैनल है अभिषेक टेक हाउस, तो आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1000 के करीब पहुँचने वाले हैं, तो 1000 का जो हमारा एक गोल है वो जल्दी अचीव हो जाए, मैं यही चाहूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अब चलते हैं अपने माइक्रोनीच कीवर्ड की तरफ। तो दोस्तों, माइक्रोनीच कीवर्ड जो है वो है हमारा फुल फॉर्म। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोग आजकल फुल फॉर्म बहुत पसंद करते हैं। जैसे फुल फॉर्म पसंद क्या करते हैं, लोगों को फुल फॉर्म जानना पसंद होता है। जैसे बच्चे होते हैं, अब उनको AMPM उसका फुल फॉर्म जानना है, CBI का फुल फॉर्म, PM का फुल फॉर्म। इसके अलावा कहीं जाते हैं तो उनको फुल फॉर्म जो है, शुरू में तो आपको मालूम होगा कि फुल फॉर्म जो स्टूडेंट्स को रटाए जाते हैं, ठीक है, कि इसका ये फुल फॉर्म होता है, आप पढ़ लो। कुछ जो पेपर्स होते हैं, कंपटीशन वाले पेपर्स होते हैं, उसमें भी फुल फॉर्म आते हैं, पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसमें जो लोग पढ़े होते हैं फुल फॉर्म, वो लोग टिक मारते हैं और अपने को आंसर का जवाब दे के नंबर गेन करते हैं। बट जिनको नहीं मालूम होता वो गेन मतलब, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉलेजफुल कीवर्ड है जो आपको हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हर कोई सर्च करता है। एक स्टूडेंट भी सर्च करेगा, एक जो बच्चा, जितने लोग स्टडी करते हैं वो सभी लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी के ऊपर अपने एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म के ऊपर आपको देखा होगा कि गूगल पर जब भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हो फुल फॉर्म, जैसे कि फुल फॉर्म आपने सर्च किया CBI फुल फॉर्म, अब CBI फुल फॉर्म पे आपको बहुत कम आर्टिकल लिखेंगे। वहाँ पर खाली CBI बता दिया जाता है कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता दिया गया। अब क्या है कि इतना बताने से कुछ होता नहीं है, आपने खाली बता दिया, ठीक है, बट किसी को CBI के बारे में फुल डिटेल चाहिए। तो अगर आप उस डिटेल को कवर करके पूरा एक आर्टिकल लिखते हो, उसमें फुल फॉर्म भी बताते हो, पूरी डिटेल लिख कर दोगे कि CBI क्या होता है, CBI में कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो इससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल एक बढ़िया और बढ़िया आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल जल्दी से रैंक कर जाएगा, और रैंक होने के बाद आपको चांसेस होगी गूगल के फर्स्ट पेज पे आने की, फर्स्ट रैंक पे आने की। और उसके बाद जो होगा, इसी तरह अगर आपने 50 आर्टिकल लिखे फुल फॉर्म के लिए और सभी में से अगर 50 में से 20 आर्टिकल भी रैंक हो गए, तो आने वाले समय में आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कीवर्ड पर्टिकुलर हर कोई सर्च करता है। आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कीवर्ड्स के। जैसे कि हमारे पास ये कीवर्ड है CBI फुल फॉर्म, अब इस पर आप कॉम्पिटिशन देख सकते हो कि 2 है, ठीक है, सर्चिंग इसकी मंथली 7000 है, CPC $2, ठीक है, अच्छी CPC भी। अब इसी तरह CRPF फुल फॉर्म, इसकी जो मंथली सर्चिंग है वो 14000 है, कीवर्ड डिफिकल्टीज 2 है, ठीक है, क्लिक्स भी 2500 के लमसम है, CPC 0.01 है, लो है थोड़ी, ठीक। इसी तरह GNM फुल फॉर्म, 5500 सर्चिंग है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, 0.05 सेंट्स की CPC है। तो GNM के ऊपर लोग GNM सर्च करना चाहते हैं, जैसे कुछ जो लोग बायो क्वेश्चन नहीं है वो लोग GNM सर्च करेंगे कि GNM मतलब एक्चुअल होता क्या है, GNM बोल GNM ANM लो आपने सुना होगा, ठीक है, बट GNM क्या होता है ये तो मेडिकल वाले ही जानते हैं, या फिर आपने उसके बारे में केस स्टडी की होगी, पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो जिनको नहीं मालूम है वो लोग तो GNM देखेंगे तो क्लिक करेंगे ही। तो अगर इसी तरह आपके आर्टिकल जब आप लिखोगे तो किसी के पास जाएगा आर्टिकल, ठीक है, प्रमोट करोगे आर्टिकल को, शेयर करोगे, तो लोग उसे क्लिक करके रीड करेंगे, क्योंकि उनको GNM के बारे में जानना है, ठीक है। उसी तरह ANM, ठीक
ठीक है, तो इसमें ANM में भी 5,500 से ऊपर की सर्चिंग है मंथली। तो इसी तरह अगर आप सारे आर्टिकल के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब पे आर्टिकल लिखते हो डिटेल में, जैसे GNM ANM क्या है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो आने वाले समय में होगा कि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल पर रैंक करेगा और लोग इस पर विजिट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह एक नीच है, और अगर आप नीच वेबसाइट माइक्रो नीच वेबसाइट क्रिएट करते हो फुल फॉर्म के उससे, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी चांसेस होंगे आपके आर्टिकल के रैंक होने के। और रही बात इसमें जो है कि कंटेंट कैसे खोजेंगे, तो इसमें कंटेंट आपको खोजना नहीं है, बस आपको क्या करना है ऐसे फुल फॉर्म लिखना है, थोड़ा गैप दे के ए सर्च करना है। अब जैसे आर्मी आ गया, ATM आ गया, एड्स आ गया, AM हो गया, तो ये चार आपको कंटेंट मिल गए, आर्मी फुल फॉर्म, ATM फुल फॉर्म, एड्स, AM। अब इनको आप जाके यहाँ पर यूपर सजेस्ट या फिर यहाँ पर एचआरएफ पे जाके आप सर्च करके देख सकते हो कि इनकी मंथली वैल्यूम मतलब कितनी है। तो जिनकी वैल्यूम अच्छी हो, 5,000 से ऊपर हो या 10,000 से ऊपर हो, उन पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ए से रिलेटेड ये कुछ रहे, इसी तरह अगर आप बी यहाँ पर डालोगे तो बी देखो, BBA, BCA, BPO, BTC, BEMW, BTS, ठीक है, BSC, BHMS, अब से ये सब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें, इनमें से जो चीज़ जो जिसकी ज़्यादा सर्चिंग हो उसको आप लिस्ट बना लो, उसके बाद उस पर आप कंटेंट लिख के आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह सी पे जाओगे तो CRPF, CID, CISF, CEO, CV, CGT, ठीक है, इसी तरह बहुत कंटेंट A to Z तक का बहुत कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कई फुल फॉर्म लेंगे आप, अच्छे खासे यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हो, आपको 100 से 150 आर्टिकल यहाँ पर लिखने को मिल जाएंगे। अगर आप 100 से 150 आर्टिकल लिख देते हो और उसके बाद आपके उनमें से मान के चलो कई कीवर्ड्स रैंक कर जाएंगे तो उस पर कई ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग बहुत ही दबा के अर्निंग होगी, ये समझ लो बहुत ही दबा के अर्निंग होगी। और आप एक अच्छी नॉलेज वाली भी मतलब आर्टिकल बनाओ जिससे लोगों को नॉलेज, बिल्कुल सही नॉलेज मिले, और साथ ही साथ आपको सही नॉलेज मिलेगी तो लोग आपके आर्टिकल को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, अब जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, उसे कोई चीज़ जाननी है तो वो जान लिया, जानने के बाद क्या होगा, वो आगे शेयर करेगा क्योंकि दूसरों को भी ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्रेंड सर्किल में उसके जाएगा, शेयर होगा, आपको अच्छी ऑडियंस मिलेगी और अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे बाकी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अच्छा अच्छा आर्टिकल लिखो, और आर्टिकल लिखने के बाद इसे रैंक करो, इस पर रैंक करो। ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद रैंक कराओ, रैंक कराने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाओ। ठीक है, सबकी CPC की रेटिंग अलग है, किसी की CPC 0 नहीं है, CPC 1, 2, 1.5 ऐसे ही है। तो हर पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जब यहाँ पर आर्टिकल रैंक हो जाएगा तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो हर एक कीवर्ड को उठाओ, कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सब CBI फुल फॉर्म है तो आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ। ठीक है, अब जैसे CBI फुल फॉर्म, अब इस पर आपको दिखाता हूँ, कोई भी आर्टिकल आपको दिखाता हूँ फुल डिटेलिंग आर्टिकल, तो ये फुल डिटेलिंग आर्टिकल देख सकते हो, फुल डिटेलिंग आर्टिकल जाओ देख लो, इसका फुल डिटेलिंग आर्टिकल देखो जाके कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आप भी सर्च कर सकते हो फुल डिटेलिंग आर्टिकल CBI फुल फॉर्म, और वहाँ जाकर आप जो है ये जो साइट है गेट गैजेट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये फुल डिटेलिंग आर्टिकल जिसमें देखो CBI फुल फॉर्म इन हिंदी, CBI क्या है, CBI ऑफिसर कैसे बने, CBI ऑफिसर सैलरी, CBI की जिम्मेदारी, CID, CBI में एंटर, ठीक है, पीपल आस्क क्वेश्चन कंक्लूजन, तो इस बंदे ने पूरी डिटेल बताई है। ठीक है, अभी मेरी साइट है, पूरी डिटेल मैंने बताई है। इसी तरह तो आप भी इस तरह के आर्टिकल लिखो, आर्टिकल लिखने के बाद रैंक करो, रैंक करने के बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो करो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप देखो समझो और करने के बाद मुझे बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।